रॉबर गैंग का खौफ, गोली चलाकर मांगी फिरौती, दुकानदार से बॉक्सर गैंग ने 50 लाख की फिरौती मांगी थी। तो ये बड़ी खबर, 50 लाख की फिरौती मांगी गई थी। मौके पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली, पीड़ित दुकानदार से की बातचीत, हालांकि कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया है। तो बता दें कि देवेंद्र बबली ने पुलिस को आरोपियों की गिरफ्तारी के आदेश दे दिए हैं। तो बड़ी खबर टोहाना से, दुकानदार से बॉक्सर गैंग ने मांगी थी 50 लाख रुपए की फिरौती। मौके पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली। खबर से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें भी आप तक हम साझा कर रही हैं। पीड़ित दुकानदार से बातचीत की और उसके बाद कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया है। हालांकि यह पूरा मामला क्या है, पुलिस फिलहाल कार्रवाई में जुटी हुई है। गोली चलाकर फिरौती मांगी गई है इस पूरे मामले में। दुकानदार से बॉक्सर गैंग ने मांगी थी 50 लाख रुपए की फिरौती। मौके पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली। तो पीड़ित दुकानदार से बातचीत की गई है, कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया है। और ये तस्वीरें देखिए आप, पीड़ित दुकानदार से बातचीत की गई है जिसकी तस्वीरें आप तक हम साझा कर रही हैं। हालांकि यहां पर मंत्री खुद पहुंचे हुए हैं और साथ ही साथ उचित कार्रवाई का आश्वासन देते हुए नजर आए हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी टोहाना से नवल सिंह जुड़ गए हैं। नवल, ये पूरा मामला क्या है, जरा विस्तार से बताइए। जी, ये देर रात की घटना है। टोहाना का जो मुख्य बाजार है वहां पर एक उस फूड कोर्ट में दो जो लड़के हैं वो वहां पहुंचे और उनमें से एक बाहर खड़ा हो गया और एक अंदर गया। और उसने जाते ही वहां पर जो काउंटर पर जो व्यक्ति थे उसको एक पर्ची दी जिस पर लिखा हुआ था बॉक्सर गैंग 50 लाख रुपए। और जैसे ही उसने पर्ची दी वो वहां से निकल गया और जो काउंटर पर बैठा व्यक्ति था वो कुछ समझ नहीं पाया। वो जैसे उसके पीछे आया तभी जो वो लड़का पर्ची देके गया था उसने बाहर आते ही हवाई फायर कर दिए और जिसके बाद जो शीशा था दुकान का वो टूट गया और वो मोटरसाइकिल पर वहां से फरार हो गए, जिसके बाद पूरी मार्केट में अफरा तफरी मच गई। और यहाँ पर देखने वाली बात ये रहेगी कि उसके कुछ ही देर बाद वहां पर जैसे पुलिस भी पहुंची है, कार्रवाई कर रही है, मगर कैबिनेट मिनिस्टर देवेंद्र सिंह बबली भी वो रात को वहां पहुंचे और उन्होंने मौके पर पहुंचकर अधिकारियों से बात की और उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने बकायदा ये बात भी कही कि इससे पहले भी टोहाना में गोली चली थी, आखिरकार टोहाना को ही आपराधिक गतिविधियों का टारगेट क्यों बनाया जा रहा है। उन्होंने एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा किया अपने आप में। अब देखना ये होगा कि पुलिस इसके पीछे छुपे हुए जो आरोपी हैं, जो अपराधी हैं, उनको कब तक पकड़ती है। इसको लेकर उन्होंने पूरी शक्ति दिखाई और अभी आज दिन में भी जो हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो है इसके चेयरमैन है, जो पहले भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष रहते सुभाष बराला, वो भी यहाँ पहुंचे हैं और उन्होंने भी संस्थान के मालिक को आश्वासन दिया है कि पूरी कार्रवाई इस मामले में की जाएगी। तो कुल मिलाकर स्थिति बनी हुई है और चर्चा का विषय है कि इस तरह से गोली चला दिया जाना कहीं ना कहीं व्यापारियों में भय का माहौल भी है। जी नवल, ऐसे में सवाल ये उठता है कि आपने जिक्र किया है कि बॉक्सर गैंग ने ऐसे पहले भी ऐसी वारदात को अंजाम दिया है, तो ये जो गैंग है इसमें कितने लोग शामिल हैं, क्या तमाम जो और वारदात जो है की गई है उनके भी नाम शामिल हैं? मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, बॉक्सर गैंग ने इस तरह से पहले कोई कार्रवाई की है ऐसी बात नहीं सामने आई है। इसको लेकर एक बार पहले गोली चली थी, उसका जिक्र जो है कैबिनेट मिनिस्टर ने किया है। बॉक्सर गैंग क्या है, इसमें कितने लोग हैं, ये तो खैर जब पुलिस अपराधियों तक पहुंचेगी उसके बाद ही स्थिति सामने आएगी, मगर इस तरह से एक फिरौती के बारे में एक पर्ची दे देना अपने आप में भय की स्थिति है। और ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरह के वो लड़के यहाँ पर आए थे वो एक किशोर अवस्था के लड़के माने जा रहे हैं और इसके पीछे शहर में ये भी चर्चा है कि जो शहर में नशा चल रहा है शायद उससे प्रभावित हो या अन्य कोई कारण हो। तो कारण कुछ भी हो सकते हैं, किसी भी तरह के हो सकते हैं। फिलहाल मामले का पटाक्षेप तो तभी होगा जब इस जो गैंग जिसका बॉक्सर गैंग का जिक्र आ रहा है जिसका नाम आया है पर्ची पे, उसमें से कोई व्यक्ति जब पुलिस की पकड़ में आएगा या पुलिस किसी जानकारी को हम तक पहुंचाएगी उसके बाद ही इस विषय में ज्यादा बेहतर कहा जा सकेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। बड़ी खबर बता रही है और फिलहाल कैबिनेट मंत्री की तरफ से भी कहा गया है कि इस पूरे मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी।